आप सबको पता ही है कि इस बार हिमाचल में मॉनसून ने इस तरह से अपना कहर बरसाया है कि कुछ भी नहीं बच पाया है। मतलब 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट क्षतिग्रस्त हो गई है, जैसे कि आप इन क्लिप्स में देख ही सकते हो कि ये मंजर इतना डरावना है कि देख के ही रूह काम जाती है। मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है, घर ढह गए हैं, हाईवे ख़त्म हो गए हैं, मतलब वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है इस बार। गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे, क्योंकि हिमाचल में मॉनसून इतने भयानक तरीके से आया है, कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी जो इस मॉनसून के भयानक कहर से बच पाई होगी। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लैंडस्लाइड आ रहे हैं, बहुत से भी ज़्यादा बुरे हाल हो गए और घरों से बाहर निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। घरों में दरार आ गई है, घर ढह गए हैं, मतलब ये सब सोच के भी ना रूह कांप जाती है इस तरीके से। मतलब भगवान पता नहीं क्या दिखा रहा है इस बार। और हम लोगों के लिए तो इतना, मतलब हम लोगों के लिए जैसे सेब के, मतलब सेब के बगीचे हैं वो गिर गए, सेब गिर गए हैं, टायरमैन वगैरह निकलने थे हमारे सेब, जो मतलब काफ़ी पहले निकल जाते हैं, तो इनको निकालने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। अगर हम निकाल भी देंगे, मतलब पर वैसे बारिश मौका ही नहीं दे रही, अगर चलो एक सिचुएशन सोचते हैं कि निकाल भी देंगे, बट ले जाना कहाँ से, वैसे ही सड़क है नहीं है और जो कच्ची सड़कें हैं ये भी टूट गई है, इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया है कि जाना ही मुश्किल हो गया है, और जो खड्ड है वो इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि मुश्किल है। सेबों के तो बहुत बुरे हाल हो गए, मतलब जो भी मैक्सिमम जो फसल बीजी हुई थी लोगों ने, सबकी सब मतलब ख़राब हो गई। इस बारी कोई फसल कामयाब नहीं होने वाली है। और सेब वगैरह मैं तो वैसे सेबों को तो छोड़ो, सोचो ही मत, जैसे खेतों में लैंडस्लाइड आ रहा है, जो बगीचे हैं ना उनमें ऐसा पानी भरा हुआ है ना कि मतलब ज़मीन के नीचे से पानी निकल रहा है। ओह माय गॉड, मौसम इतना काला हुआ है ना, पूरा क्लाउडी सा ही है, और जैसे घर में अंदर सोए हुए ना तो कभी कभार रात को डर लगने लग जाता है कि यार पता नहीं कब कब स्लाइड हो जाए, कब क्या हो जाए। वैसे ही हमारे लिए ना सड़क है, ना हमारे लिए पक्की सड़क है, ना हमारे लिए पुल है, और नीचे जो खड है ना वो इतनी तेज़ उफान पर चली हुई है, और जो हमारे लिए वैसे ही कच्चे रास्ते हैं बिल्कुल टूट गए, ना हम जा सकते हैं वहाँ से, मतलब जाना ही बहुत टफ हो गया है, क्योंकि रास्ते जो छोटे छोटे से रास्ते हैं सारे बंद हो गए, और जो मेन सड़कें हैं वो भी बंद हो गई हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए मतलब मैं बाहर आई थी और थोड़ा सा मौसम रुका हुआ था, और फिर से देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। जैसे कि हम लोगों ने गाय रखी है, आपने मेरे मैक्सिमम व्लॉग में देखा ही है, जो मैं आपको अपनी गाय वगैरह दिखाती हूँ, तो जैसे हमने गाय रखी हुई है तो उस वजह से हम लोगों को जो है लस्सी वगैरह बनानी होती है, और जो लाइट, जो हफ्ता हो गया है लाइट है ही नहीं है, मतलब दिन को तो बिल्कुल लाइट नहीं होती है, शाम को आती है बट वो इतनी डिम होती है ना कि उसे जो मदानी होती है जिससे कि लस्सी लगती है वो बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो इस वजह से क्या है, हफ्ते से मतलब जो लस्सी बनाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि अब लाइट तो है नहीं है, मदानियाँ चल नहीं रही है, तो हम इससे लस्सी बनाएंगे। इसे किस तरह से लस्सी बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसमें जो है दूध वगैरह डाल, मतलब दूध डाल देते हैं, दूध नहीं सॉरी दही डाल देते हैं, तो और इसको ना फिर इस तरह से हिलाना पड़ता है, देखो ऐसे ऐसे यूं इस तरह से मतलब इसको हिलाते हैं, एंड मतलब ये प्रोसेस करते रहना पड़ता है इससे, और फिर इससे जो है मतलब जो मक्खन अलग निकल जाता है एंड लस्सी अलग हो जाती है। तो ये देखो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा लेती हूँ। और ना मैं सुबह थोड़े लेट उठी और मम्मा वगैरह ना काफ़ी जल्दी उठ गए थे, तो इन्होंने जो है लस्सी वगैरह बना दी थी, तो फिर बाद में मुझे बताया कि देख हम लोगों ने इसमें आज लस्सी बनाई है। मुझे अभी भी याद, मैं छोटी होती थी ना तो उस टाइम जब कभी लाइट नहीं होती थी तो इसमें जो है लस्सी बनाते थे। तो आज ये ना फिर से निकली है, तो मतलब पुरानी यादें ना ताज़ा हो गई कि जो हमारे मतलब 40 साल बहुत होते हैं, 40 साल पुराना मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी। तो इस तरह कैसे इसमें लस्सी बनाते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कभी अगर लाइट फिर से नहीं आई ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें जो है लस्सी बनती है अच्छे से। चेयरमैन जो सेब है उनके हाल आप देख सकते हो, ये देखो सारे के सारे जो सेब है वो ड्रॉप हो गए, और बगीचों में तो मतलब पानी ही पानी है। देखो पीछे, ये तो जो ये नज़दीक वाला खेत है घर के साथ, ये तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी, बट रास्ते में चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ओह शिट, और एक तो ना ये जो टायरमैन के पौधे हैं ये काफ़ी अलग अलग लगाए हुए हैं, अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो ये थोड़े दूर दूर पौधे लगे हुए ना, ये देखो यहाँ से ऊपर से जो है सारे दाने ड्रॉप हो गए यहाँ,
यहाँ पड़े हुए हैं, और वो देखो पीछे तौलिए में, ये देखो। मतलब सारे सेब जो अभी निकलने थे ख़त्म हो गए, और कुछ एक जो पौधे हैं वो तो अब काफ़ी नीचे हैं एंड काफ़ी दूर दूर है, वहाँ तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से। जब मैं घर से निकली थी तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बट अब फिर से तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो अभी इतना दूर जाना तो वैसे ही रिस्की है। और यहाँ पे जो हमारे घर के साथ है यहाँ पर भी जो है काफ़ी लैंडस्लाइड हो गई है, और जो ये स्टोर है ना इसके साथ दिखाती हूँ आपको अभी, ये देखो इस स्टोर के साथ जो है काफ़ी पीछे आ गया है, जो आगे का जो हिस्सा था वो सारे का सारा नीचे दूसरे खेत में चला गया, ये देखो। आई थिंक यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट नीचे जाना ना मतलब जा ही नहीं पा रहे, ऐसे फिसल फिसल रहे, तो इस वजह से ना मैं यहीं से दिखा रही हूँ आपको, देखो ये सारा नीचे खेत पर चला गया है। और पार देख सकते हो आप, रोड वगैरह के तो वैसे ही बुरे हाल हुए हैं। इन दोनों को देखो, ये जो है जो मेरी पिशु है ना उसके ये दो छोटे छोटे से किटन्स, ये देखो ये अपना मस्त, इनको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मस्त अपना। अभी मम्मा जैसे गौशाला गए हुए हैं तो ये सारे के सारे अब दूध का वेट कर रहे कि देखो कैसे घूम रहे। अच्छा अच्छा देखो देखो देखो, देखो, देखो।